बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हो, आपके पास कौन सी योजना अप्लाई हो। आपने नोटबंदी करके पहले आधे लोग मार दिए, पकौड़े तलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता ही सारी अगर होती तो सरकार से फिर उम्मीद क्या करें बताइए। हाँ ढंग का किसी चीज़ का पीटो, लेकिन आप बताइए मुझे क्या हो रहा। आज आप किसी भी देश की आप किससे अर्थव्यवस्था किससे नापते हो, जी डी पी से नापते हो, जी डी पी कहाँ पहुँच चुकी है, महंगाई से नापते हो, महंगाई कहाँ जा चुकी है। किसान तो आत्महत्या कर लेता थोड़े से ब्याज अगर उसका नहीं दे पा रहा हो, उसके ऊपर तो रिकवरी का नोटिस तुरंत पहुँच जाता, पुलिस अरेस्ट करने पहुँच जाती है। और ये बड़े बड़े जो चले गए सारे, वो हजारों करोड़ों के अरबों करोड़ों के घोटाले करके गए, वो थाली बजी, ताली बजी, टॉर्च दिखाई गई, दिए जलाए गए, मतलब इतना इलॉजिकल काम है। ये लॉजिकल है किसी तरीके से? आपको काम करना चाहिए साइंटिफिक वे में, आपको व्यवस्था बनानी थी अस्पतालों की, आपके पास थी जिम्मेदारी उस वक्त में पैंडेमिक सिचुएशन से जीतने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी थी, लोगों के पास में साधन पहुंचाने की थी, उनकी ज़रूरतों की चीज़ें पहुंचाने की थी। आपके देश में 70% लोग जिस देश में डेली खाते कमाते हों, 5% से ज़्यादा लोग सर्विस वाले नहीं हैं आपके यहाँ, क्या आपने उस पर्टिकुलर क्लास का कभी सोचा? अब कोरोना की आपने बात की, कोरोना कम हो जाए, क्या हुआ कम? आज आप नंबर 2 पे हैं और बहुत जल्दी आप शायद नंबर 1 पे होंगे। न्यायपालिका पूरी तरह से अब ईमानदारी से कार्य कर रही हो, इसमें सबको संदेह है और ये सही है। देखिए न्याय तो न्याय का मंदिर है और न्यायालय में आना ही पड़ेगा, न्यायालय से ही आपको न्याय मिलेगा भी। और मिल भी रहा, ऐसा नहीं है सभी हो गए, कुछ हैं जहाँ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और इनमें सुधार की ज़रूरत है, वो भी होंगी धीरे धीरे। लेकिन इस समय थोड़ा सा न्याय व्यवस्था ख़राब है, सरकारों की इसमें ढील है। और अगर हम बात करें अपने प्रदेश की, तो प्रदेश में तो हमारे यहाँ बहुत ही बुरा हाल है इस समय। प्रदेश स्तर में हम अगर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो यहाँ आप देखें रोज़ घटनाएँ बढ़ गई हैं, लूट की, मर्डर की और हर तरह का ये सारा सब चीज़ें हो रखी हैं, तो विकराल स्थिति पैदा हो रही है। और इस सब की जड़ है बेरोजगारी, सरकार की नीतियाँ, सरकार के जो कार्यशाली पिछले बहुत सालों से होती आ रही है, लेकिन 7 सालों में तो बिल्कुल ही ज़्यादा। आप देखिए किन मुद्दों पर कार्य हो रहे हैं इस सरकार में, 6 महीने हुए, इससे पहले क्या स्थिति थी? लेसर मोर अगर आप देखें तो ये स्थिति आज से नहीं है, पिछले 4-5 साल से स्थिति विकराल हो रही है। महंगाई पहले में और आज में कितनी हो गई है? जब आप 500 रुपये में सिलेंडर लेके बैठते थे दिल्ली में, आज 900 रुपये हो गया, आपको पता भी नहीं चल रहा कितने का रेट है क्या। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि नाले की गैस हमने बना दी है। हाँ बिल्कुल सही, कितने जगह सिलेंडर देखे हैं आपने चलते हुए, आप मुझे बताइए कहाँ बन रही है गैस। एक अज्ञानतापूर्ण मूर्तापूर्ण एक बयान देना बहुत आसान है। अब इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस को आप सारा कैसे बना देंगे? इसमें बीच में आपकी सरकार भी रही है 5 साल, आप उसे भूल जाते हो, इसमें बीच में और सरकारें भी रही हैं। सवाल उठना चाहिए पुराने पे, लेकिन आप कार्य करिए आज की डेट में। आप जब आए हैं पुराने पर नहीं रो सकते हैं आप अपना क्या किया आपने? आप अपने सिर्फ एजेंडे में 3 चीज थे, आप उससे अलग आप आम जनता के लिए क्या कर रहे हो ये बता दीजिए आप मुझे। ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का, पीएम पूरे टाइम राजनीतिक भाषण देते हैं, पूरे टाइम चुनावी शैली में बात करते हैं, जबकि देश की पीएम की डिग्निटी होती है आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपने क्या कर दिया है वो आज तक बताया कहीं पर उन्होंने? तो सर ऐप बंद कर दिए चाइनीज, जो खतरनाक ऐप थे हमारे युवकों के लिए। बड़ी सही कर रहे हो आप, खतरनाक ऐप किसके लिए थी? वो ऐप बंद कर दिया आपकी, पबजी बंद कर दिया, लेकिन आप सरदार पटेल जी की मूर्ति कहाँ से बनवा रहे हो? आप बड़े बड़े टेंडर कहाँ दे रहे हो आज भी? क्या चाइना के साथ सारी चीज़ें आपने बंद कर दी हैं? क्या पीएम साहब ने एक बार भी एक शब्द बोला आपने मुँह से कि हम ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये तो आम जनता जो भक्त हैं उनके वो अपने कर रहे हैं, ये जो देशभक्ति हमारे मन में आ रहा हमने बंद कर दिया चाइना से। आज बिल्कुल सही बात है, हम सब इस सारी घटना के लिए अगर आप कोरोना की बात करें तो एक आम आदमी के मन में, और ये सच भी है, सब ये मानने के लापरवाही सिर्फ और सिर्फ चाइना की है जिसकी वजह से पूरा देश झेल रहा, तो ये हम सब लोग अपने मन से कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई एजेंडा बनाया गया हो, सरकार ने कोई बयान दिया हो ऐसा बताइए। पाकिस्तान के लिए तो हमेशा आ जाता बयान, चीन के लिए कोई एक बयान नहीं। डरना ना डरना ये तो उनका सरकार का मामला, किस पर क्या बोलेंगे ये मेरा विषय नहीं है, ये तो सरकार अपना बयान देना चाहिए, बयान क्यों नहीं दे रहे हैं इसमें, देना चाहिए। हाँ ये बातचीत से समस्या का समाधान होगा, जब पाकिस्तान का हो तो आप तुरंत जाके कुछ भी कर दोगे, वो उसके ऊपर सवाल भी नहीं उठाएंगे आप। सर हमारे देश में अर्थव्यवस्था डूब गई है, माइनस में जा रही है जीडीपी, बेरोजगारी फैल रही है, भुखमरी फैल रही है, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो खास उद्योगपति है अडानी अंबानी वो मालामाल होते जा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल आपने सही बात की, और इसी के यही बात हम लोगों को समझाना चाहते हैं। ये कहते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ा कांग्रेस सरकार में या भाजपा सरकार में, ये जो बड़े लोग थे ये पहले उनके साथ थे, आज ये सरकार पूरा उनके लिए काम कर रही है, बल्कि पुरानी चीज़ें पुरानी वाली सरकारें फिर भी कुछ ना कुछ और करती थी,
ये तो एक्सक्लूसिव इन बड़े ही चार पांच घरानों के लिए काम कर रही है। आप देखिए छोटा व्यापारी भी खुश नहीं है इसमें, जीएसटी की मार छोटा व्यापारी इतनी बुरी तरह से झेल रहा है। आप लोगों को पत्रकार है सारी चीज़ सबको पता, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है इस समय, इसलिए तो फायदा सारा उठाया जा रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष कमजोर हुआ बिल्कुल सही बात है, और उसका फायदा सरकार उठा रही है। सरकार किसके लिए काम करती है? हमारे हम तो कानून वाले लोग हैं, जनता के लिए। आप संविधान के पहले लाइन देखिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, आपको कभी लगा ऐसा एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम हो रहा? धोखा दिया जा रहा कि हिंदू हिंदू भी नहीं है सारे, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर खास वर्ग के लिए काम किया जा रहा है, सिर्फ जो बड़े लोग हैं। सर आम जनता के लिए आप देखिए पिछले 7 सालों में कितने रोजगार निकाले गए हैं। आप जो रूटीन की सर्विसेज निकलती थी वो भी बंद हो गई हैं इन 7 सालों में। आरक्षण पे कोई सरकार कोई बात नहीं करती, कुछ नहीं करती किसी भी तरह की, सब जगह सारी। पहली बार ऐसा हो रहा है भर्तियाँ डायरेक्ट भर्तियाँ कर ली गई हैं, जिसमें कोई ऐड भी नहीं दिया गया कहीं पर कुछ। इवन आपके जो है IAS रैंक की भर्ती कर दी गई है। तो ये हो क्या रहा देश के अंदर, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आम जनता से बहुत दूर जा चुकी है सरकार। आप सरकार में भी अगर उस पार्टी में देखें तो पार्टी में भी सिर्फ 2 लोगों तक सीमित रहेगी क्या? उस पार्टी में भी क्या आप देख रहे हो कि संविधान चल रहा है? कितने लोगों की जवान दिखती है उस पार्टी में? तो मंत्री कहते आए हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो और बदला तो नहीं गया, दिक्कत तो ये है, सिर्फ कह तो रहे हैं, सिर्फ करा क्या है? भाषण तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, भाषण मुझे भी अच्छे लगते हैं उनके, भले ही झूठ हो सारा, हमें समझ में आ रहा था सारा झूठ बोला जा रहा। लेकिन आम जनता जो भोली वाली जनता है वो नहीं समझ पाती, उसे नुकसान बिल्कुल उठाना पड़ेगा और ये होगा, क्योंकि जनता अब त्रस्त हो चुकी है। किसी को भी ना समझने में बहुत टाइम लगता है। शुरू में ये कहा गया कि अभी जल्दबाजी है, 2 साल में 4 साल में 5 साल, पर आप ये नहीं कह सकते आपके सेकंड टर्म में। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की जनता का, कि वो समझती नहीं है। सरकार जो वहाँ से बहकाती रहती है वो बहकते रहते हैं, वो पैकेज ना पहले पहुँचते थे ना आज पहुँच रहे हैं। अब सिर्फ बोल दिया जाता पहले वाले ने बोला नहीं, अब बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन वो पहुँचा कितनी जगह? क्या हिंदुस्तान ये? अब हिंदुस्तान में भी 2 हिंदुस्तान हो गए। लेकिन जो हमारे देश की जनता है वो आज भी 5 किलो अनाज के लिए और 1 किलो चने के लिए लाइन लगाती है, उनको तो अनाज मिल रहा है, वो तो गरीब आदमी, गरीब आदमी है बेचारा, उसे जो मिल जाएगा 5 किलो में, आप बताइए पूरे महीने खर्च चल सकता किसी का? वोट भी तो वही देता है सर। अब वोट जब आएगी, जब पता लगे जो भूखा मरा ना इस समय, जिसके सड़कों पर निकलते हुए ना, आप आज न्यूज किस तरह चल रही है, क्या हो रहा आप जरा देखिए, 60 दिनों में क्या कुछ हुआ था।